नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर छतरीपुरा पुलिस ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जो नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी करता था और घर में ही वाहन को तोड़कर उसके अलग अलग पार्ट्स बेच दिया करता था, जिससे पुलिस वाहन को ढूंढ नहीं पाती थी। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे दो वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं कुछ मात्रा में गांजा भी आरोपी से मिला है। इंदौर पुलिस लंबे समय से शहरवासियों को सीसीटीवी कैमरे अपने घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर लगाने के लिए अपील कर रही है। इसी का नतीजा है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल वाहन चोर इतना शातिर है कि वो पहले वाहन को चुराता है और उसके बाद अपने घर ले जाकर उसे अलग अलग हिस्सों में पार्ट्स निकाल कर बांट देता है। पार्ट्स को अलग अलग कबाड़ी में बेच देता है, जिससे कि उसकी नशे की लत पूरी हो सके। आरोपी प्रदीप उर्फ गणेश तिवारी तंबोली बाकल का रहने वाला है, जिसके बाद से पुलिस को 700 ग्राम अवैध गांजा भी बरामद हुआ है। आरोपी से दो वाहन छतरीपुरा थाना क्षेत्र से चोरी हुई पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। प्रदीप उर्फ गणेश तिवारी है, जो तंबोली बाखल का रहने वाला है। मोटर साइकिल चोरी जाने के कारण से हमारे द्वारा सभी जो कैमरे हैं उनके कुछ के हमने डायरेक्शन रोड की साइड पे लगाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा कैमरे लगवाए हैं। उसी के मद्देनज़र जब गाड़ी वाहन चोरी हुआ तो हमने जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले तो उसमें एक चोर वाहन ले जाता हुआ दिखा। उसी को हमने ट्रैक करते हुए हम उस स्थान पे पहुंच गए जहां पे वो व्यक्ति रहता है और उसी के माध्यम से हमने वाहन चोरी चोर को भी गिरफ्तार किया, उससे गाड़ियां भी बरामद किए और उसके पास से अवैध गांजा 700 ग्राम मिला था, उसको भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। नशा करने का आदि है ये, और जो ओंकारेश्वर या उधर से जाके ये कुछ गांजे की क्वांटिटी लेके आता था और स्वयं इसका सेवन करता और वाहन चुरा के और अपने घर पे भी इसको पार्ट्स के रूप में खोल के और अलग अलग जगह कबाड़ियों को बेच देता था। अभी दो गाड़ियां इससे बरामद हुई है और पूछताछ की जा रही है, संभावना है कि और गाड़ियां इससे बरामद होगी। हाँ, पूर्व में भी ये पुराना अपराधी है, सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके दो अपराध थाने पे पंजीबद्ध है। अभी दो वाहनों के बारे में इससे जब्त हुए हैं, एक वाहन इसके घर से मिला है और एक वाहन जो है ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जो पार्किंग रहती है उस पे इसने छोड़ के पुलिस को देख के भाग के निकल आया था। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और